तो हे गाइस, दिस इज योर अमन अग्रवाल एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 3 ऑफ काइनेमैटिक्स के साथ। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, काइनेमैटिकल क्वांटिटीज हमने कंप्लीट कर ली थी और हमने देखा था कि तीन टाइप के मोशन होते हैं। एक जब आपकी एक्सेलरेशन जीरो है, दूसरा जब आपकी एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, और तीसरा जब आपकी एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट नहीं है। और उनको मैंने केस 1, केस 2, केस 3 नाम दिया था, ठीक है। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, एज्यूमिंग कि तुम्हें पुराना सब कुछ आता है। इस क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, ठीक है, मतलब एक टावर है। क्वेश्चन को अप्रोच कैसे कर रहे हैं यार, वो देख लो, ठीक है। अभी क्वेश्चन की बस फर्स्ट लाइन पढ़ी है, हमें इतना पता चल गया है कि एक टावर है और वहां से एक स्टोन को ड्रॉप किया जा रहा है। ड्रॉप किया जा रहा है मतलब इनिशियली यहां पे या इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 meter per second। व्हेन इट क्रॉसेस अ 0.5 meter बिलो द टॉप, यहां से 5 meter नीचे इस पॉइंट को जब क्रॉस करता है, अनदर स्टोन इज लेट फॉल फ्रॉम अ 0.25 meter बिलो द टॉप। जब ये वाला पत्थर चलता चलता यहां तक आ जाता है, ठीक है, यहां पे इसकी कुछ वेलोसिटी होगी v, उस टाइम यहां से 25 मीटर नीचे से एक और स्टोन है, उस स्टोन को मैं रेड से बना रहा हूं, वो रिलीज किया जाता है। रिलीज किया जाता है मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। ओके, बोथ स्टोन्स रीच द बॉटम ऑफ द टावर साइमल्टेनियसली। अब ये बताया जा रहा है कि भाई ये वाला पत्थर अब नीचे जाएगा, यहाँ पे इसकी कुछ वी होगी, और ये वाला पत्थर यहाँ से कंटिन्यू करके नीचे जाएगा। और ये बोला गया है कि ये दोनों सेम टाइम पर रीच हो रहे हैं यहाँ पे। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें ये हाइट निकालनी है। तो कैसे अप्रोच कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो एक तरह से इसको यार आप ऐसे अज्यूम करके चलो, पहले तो हम कुछ क्वांटिटीज निकाल लेते हैं। ये u इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये कितनी हाइट है आपकी, 5 meter, तो ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 2gh डैश, अगर ये हाइट h डैश थी तो ये कितनी हो गई 2, अगर हम इस डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहे हैं और ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं तो -10, और आपका ये जो हाइट है ये -5 आएगी। -5 क्यों आएगी, क्योंकि यार जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात हो वेक्टर बना के देखना है। कैसे बना के देखेंगे भाई, ये इनिशियल पॉइंट था और यहां पे आया है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इसकी डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ, तो यहां पे हमने लिख दिया -5, तो ये कितना निकल के आ गया, 10 meter per second। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो ये कुछ नहीं, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है कि एक पत्थर है जो कि 10 मीटर पर सेकंड से गिर रहा है और एक पत्थर है जो कि इससे 20 मीटर नीचे है, 5 ये था 25 ये, सबट्रैक्ट किया 20 मीटर नीचे से, रिलीज किया गया है, मतलब u इक्वल टू 0 है, और ये दोनों के दोनों सेम टाइम पे यहां पे पहुंच रहे हैं। तो अगर हम इसको S1 माने और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको S2 मानूं, यहां पर देखो यार क्या मैं लिख सकता हूं, क्या S1 -S1 क्यों लगाया है, क्योंकि हमारा जो वेक्टर है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है और इधर एंड हो रहा है और ये डायरेक्शन हमने नेगेटिव एज्यूम करी है, तो -S1 इज इक्वल टू ये क्या होगा, -20 प्लस -S2, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। S1 हमारा क्या था, ये आपका U1 है, U1t प्लस ½at2, ये हम इक्वेशन लगा देंगे। ये इक्वेशन क्यों लगाई है, क्यों, क्योंकि भाई ये हमारा केस 2 है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। केस 2 क्या था, कि जब आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है तब आप 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हो। भैया यहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट क्यों है, अरे पूरे टाइम आपका जी ही तो लग रहा है सिर्फ, और कुछ थोड़ी ना लग रहा है, राइट, तो मैंने ये इक्वेशन लगा दी। तो ये यहां पे u1 क्या था, 10, तो 10 लूंगा नहीं, -10 लूंगा, ठीक है, प्लस ये आपका -S1 हाफ -g,
टी स्क्वायर। सिमिलरली माइनस एस टू क्या होगा आपका यू टी, यहाँ पे यू आपका इनिशियली क्या था 0 मीटर पर सेकेंड, तो ये आपका कट गया, प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर। तो अब हमें क्या लिखना है, इसमें लिख देंगे हम माइनस एस वन इक्वल टू माइनस 20 माइनस एस टू। माइनस एस वन कितना आपका माइनस 20 माइनस जी टी स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू माइनस 20। माइनस एस टू कितना है माइनस जी टी स्क्वायर बाय टू आपका, ये और ये कट गया, तो आपका टी क्या निकल के आ गया, टी आ गया आपका 2 सेकेंड। इसका क्या मतलब है कि इन दोनों पत्थर को, इस वाले को ब्लैक वाले को यहाँ से यहाँ आने में 2 सेकेंड लगेंगे और इसको भी रेड वाले को भी यहाँ से यहाँ आने में 2 सेकेंड लगेंगे, राइट। टावर की हाइट निकालनी है तो भाई हमें ये 25 तो ऑलरेडी पता है, अगर मैं यहाँ की नीचे की ये और निकाल लूँ तो मेरा काम बन जाएगा। ये क्या आपका एस टू ही तो था, तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे 1/2 माइनस जी 4, तो ये आपका क्या आ गया 20 मीटर। तो 5 + 25 + 20 आपकी हाइट क्या आ गई टावर की 45 मीटर, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, अब हम स्टार्ट करते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो ये जो प्रश्न है ये एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है यार, और अगर हम इसे कर लेते हैं तो हमारे काफी फंडे सही हो जाएंगे। और अब इसे करने के यार दो तरीके हैं, जो मेथड वन है वो काफी लंबा है, हम पहले उस तरीके से करेंगे, उसके बाद मेथड टू से कराऊंगा। और मेथड टू करने के बाद है ना, जिन्होंने भी वेक्टर्स एंड फोर्सेस अच्छे से पढ़ा था, रिलेटिव वेलोसिटी जिसके फंडे सही हैं अभी भी, उसको स्वाद सा आ जाएगा, ठीक है। सेकंड मेथड हमारा बहुत अच्छा है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है द ड्राइवर ऑफ अ कार मूविंग एट 30 मीटर पर सेकेंड। देखो यार क्वेश्चन को जैसे ही पहली लाइन पढ़ी लिखना स्टार्ट हो जाना चाहिए, ये आपका आंसर हो गया। ये कह रहा है कि एक सड़क है और एक गाड़ी है, यहाँ पे ये कार हो गई, मूविंग एट 30 मीटर पर सेकेंड। सीज अ ट्रक दैट इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एट 10 मीटर पर सेकेंड। एक ट्रक दिखता है उसे एंड इज 60 मीटर अहेड। इससे 60 मीटर दूर एक ट्रक है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। द मैक्सिमम डी एक्सेलरेशन ऑफ द कार इज 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब क्या कि भाई गाड़ी जब ब्रेक मारेंगे, ब्रेक मारेंगे क्या होगा, रिटार्डेशन डी एक्सेलरेशन हो रही होगी, राइट। और उसने बोला है कि जो मैक्सिमम डी एक्सेलरेशन है वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये डायरेक्शन नेगेटिव क्यों लिए इस क्वेश्चन में, हम इसको पॉजिटिव मान रहे हैं, इस डायरेक्शन को नेगेटिव मान के चल रहे हैं। तो ये जो एक्सेलरेशन है इसकी डायरेक्शन इस तरफ क्यों लिया हमने, रिटार्डेशन है, फील आ गई, पर फिर भी समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये स्ट्रेट लाइन थी, टी इक्वल टू जीरो पे आपकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और टी इक्वल टू 1 पे आपकी स्पीड है क्या 5 मीटर पर सेकेंड। तो हम एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, दिस इज व्हाट चेंज इन वेलोसिटी विच इज व्हाट वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। वी फाइनल क्या है 5, माइनस वी इनिशियल क्या है 10, डेल्टा टी क्या था 1 सेकेंड, तो आ गया -5 पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है ऑपोजिट डायरेक्शन, क्या करता है ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। जब मैंने डायरेक्शन इस तरफ कर दी तो इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है यार, ये जो साइन है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर डज नॉट सिग्निफाई लेस देन 0, इट मींस दैट द क्वांटिटी इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। फील समझ पा रहे हो यहां पे, ओके। तो ये चीज आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन आपको ये कह रहा है, विल द कोलिजन अकर इफ द ड्राइवर्स रिएक्शन टाइम इज 0। रिएक्शन टाइम क्या होता है, रिएक्शन टाइम ये है कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, एकदम से मैंने आगे ट्रक देखा तो मैं सीधा ब्रेक लगा रहा हूं, रिएक्शन सोचने का कोई टाइम नहीं है, रिएक्शन टाइम 0 है।
तो वो पूछ रहा है कोलिजन होगा इस कंडीशन में। तो यार सबसे पहले तो फील लेने की कोशिश करते हैं। मान लो ये टी इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे थे, टी इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे थे, थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये गाड़ी यहाँ पे आ जाएगी टी वन पे, और ये ट्रक कहाँ, ये यहाँ आ जाएगा। उसके बाद ये गाड़ी यहाँ आ जाएगी टी टू पे, ये ट्रक यहाँ आ जाएगा। ऐसा सा कुछ हो रहा होगा। और कोलिजन किस केस में होगा, कोलिजन तब होगा अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये आपकी कार है और यहीं आपका ट्रक है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे तब आपका कोलिजन हो रहा होगा। अब इस केस में यार एक चीज विजुअलाइज करने की कोशिश करो, इनफैक्ट देखो यहां पे क्या आपकी गाड़ी शुरुआत में यहां थी, यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको क्या मैं बोल सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार एट टाइम टी बोल सकता हूं, हाँ। और मेरा ट्रक कहां पे था, ट्रक था यहां पे, यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट ट्रक की हुई है उसको मैं क्या बोल सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रक एट टाइम टी। ये चीज की फील आ गई क्या, मैं अब ये बोल सकता हूं ये बीच का डिस्टेंस कितना था, ये तो गिवन था 60 मीटर, क्या मैं बोल सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार एट टाइम टी इज इक्वल टू 60 प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रक एट टाइम टी। ये तो मैं को बोल सकता हूं, विजुअलाइज कर लिया हमने, बस अब इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में लिख देंगे, एससी निकालेंगे एसटी निकालेंगे और देखते हैं कि कोलिजन होता है या नहीं। एससी आपका क्या आ जाएगा एट टाइम टी, ये होगा आपका यार यूटी, यू कितना था 30, टी प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितनी है -5, क्यों, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही थी, टी स्क्वायर। और आपका एस टी टी कितना आ जाएगा 10t प्लस प्लस, तो यहां पे तो जीरो है ना, उसकी एक्सेलरेशन तो जीरो थी, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये इक्वेशन अब लगाऊं तो कि 30t -5/2t² इज इक्वल टू 60 + 10t, ये कट गया इससे तो ये 20 हो गया, ठीक है। तो हमारी ये इक्वेशन क्या आ गई, 40 - t² / 2 = 12, तो ये आ गया t² - 8t + 24 = 0। अब ये यार हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैथ्स में हमने एक चीज पढ़ी थी क्या, कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लो ax² + bx + c = 0, तो अगर उसका ये b² - 4ac < 0 है तो उस केस में हमें नॉन रियल रूट्स मिलते हैं, ठीक है, ये चीज हम क्वाड्रेटिक में पढ़ते हैं। तो मैंने कहा इसका भी लेके देख लेते हैं, तो इसका d कितना हो गया 64 - 4 = 24, ये तो आपका ये 1 ही था, सो दिस क्वांटिटी इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या है, नो रियल रूट्स, मतलब कोई रियल वैल्यू है ही नहीं, टाइम की कोई रियल वैल्यू है ही नहीं जिस पे गाड़ी और ट्रक दोनों टकराएं, मतलब कोलिजन नहीं होगा। यह चीज हमें समझ में आ गई, ठीक है, कोई डाउट रह गया हो यार तो एक बार पीछे करके वापस देखो, नहीं तो फिर भी कमेंट सेक्शन में बता देना, नेक्स्ट क्लास में उसे कवर कर लेंगे। पार्ट कह रहा है इफ द कार ड्राइवर्स रिएक्शन टाइम इज 0.5 सेकेंड, वॉट इज द मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ डी एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड टू अवॉइड द कोलिजन, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि भाई अब रिएक्शन टाइम 0.5 सेकेंड है, उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे ये फर्क पड़ेगा कि भाई इनिशियली क्या था, ये आपकी गाड़ी थी, ये आपका ट्रक था,
और इनके बीच में डिस्टेंस क्या था 60 मीटर। अब क्योंकि 0.5 सेकंड्स का रिएक्शन टाइम आ गया है तो क्या हो रहा होगा, अब जो गैप है इनके बीच में वो कितना होगा 60 मीटर माइनस 30 × 0.5। क्यों? क्योंकि भाई जितनी देर इसने सोचा इतनी देर में ये गाड़ी यहाँ से हटके कुछ यहाँ आ गई होगी, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है इसकी स्पीड इंटू हाफ सेकेंड। ओके, पर इसमें कुछ प्लस भी होगा। क्या प्लस होगा? ये ट्रक भी तो 0.5 सेकंड्स में थोड़ा आगे आ गया होगा। कितना? इसकी वेलोसिटी इंटू 0.5। तो अब जो गैप है वो कितना है 60 − 15 + 5 विच इज इक्वल टू 50 मीटर। तो एक तो अच्छी कैच ये थी इसमें, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था वही चीज दोबारा इसमें करेंगे। क्या बोलेंगे हम ये बोलेंगे कि भाई अगर कोलिजन होना है तो क्या होना पड़ेगा, किसी एक पॉइंट पे किसी एक टाइम पे अगर ये आपकी कार है तो ट्रक भी यही होना चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार एट टाइम टी। ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रक एट टाइम टी, और ये कितना था 50 मीटर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार इज इक्वल टू 50 एट टाइम टी प्लस 50 प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रक एट टाइम टी, ठीक है। अब क्या है, अब लिख देंगे इसको। तो मैं सीधा एक लाइन में ही लिख रहा हूँ यार इस चीज़ को। अब ये हमारा कितना निकल के आएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है 30, टी प्लस हाफ। एक्सेलरेशन तो हमें निकालनी है कि भाई कितनी डी एक्सेलरेशन हो जिससे कि जो कोलिजन है वो जस्ट अवॉइड हो जाए, ठीक है। सो ए टी स्क्वायर, हम डी एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं यार, पर हम इसको ए ही लेंगे वेरिएबल को, माइनस ए नहीं लेंगे, जस्ट बिकॉज ये डी एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में होने वाली है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप वेरिएबल में ही माइनस ए ले लोगे, नहीं, हमारी जब लास्ट में ए की वैल्यू आएगी तो वो यार नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है, पॉइंट समझ रहे हो। इज इक्वल टू व्हाट, 50 प्लस ये कितना होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना था 10, टी एक्सेलरेशन जीरो थी तो वो पार्ट जीरो हो गया। तो भाई अब हम इसमें से लिख देंगे 20 टी प्लस 80 स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 50, ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख दो, क्या 80 स्क्वायर प्लस 40 टी माइनस 50 इक्वल टू 0 माइनस 100 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम, दोबारा d निकालेंगे। d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या वैल्यू आई आपकी, बी स्क्वायर कितना हुआ, ये होता है ना यार आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बी क्या इतना आपका 40 × 40 1600 माइनस 400। ए शुड बी लेस देन 0, तो इसमें मैं लिख सकता हूँ क्या, डैट 1600 शुड बी लेस देन 400 ए, सो ए शुड बी ग्रेटर देन 4, ठीक है, ए शुड बी ग्रेटर देन 4, ठीक है। जब आपका ये लेस देन 0 होगा तब आपको नॉन रियल वैल्यूज मिलेंगी, नॉन रियल वैल्यूज मतलब कोलिजन नहीं हो रहा होगा, और हमें मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ डी एक्सेलरेशन चाहिए। तो ए की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई अवॉइड करने के लिए, 4 m/s², ठीक है। तो यार सारी की सारी स्ट्रगल इनिशियली क्वेश्चन को विजुअलाइज करने की होती है, उसके बाद तो भाई अगर आपके साइन कन्वेंशन में आप गलती नहीं कर रहे हो, जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने खोल के बताया था, तो काइनेमैटिक्स में आप कहीं नहीं रुकने वाले हो। तो यार अब इस क्वेश्चन को हम मेथड 2 से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लगने वाला है।
तो हमने रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ी थी वेक्टर्स एंड फोर्सेस वाले चैप्टर में, तो वी ए बी का क्या मतलब निकाला था? मैथमेटिकली तो होता है भाई वी ए माइनस वी बी, और अंग्रेजी में क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ वेक्टर ए विद रेस्पेक्ट टू बी, या फिर इफ बी इज एट रेस्ट, राइट? हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे कि एक गाड़ी है, इसकी वेलोसिटी है भाई 10 मीटर पर सेकेंड, एक बाइक है जो कि इस डायरेक्शन में जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड, तो अगर मेरे को वी बी सी निकालना है, क्या होता है? वी बी माइनस वी सी, और अंग्रेजी में क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ बाइक इफ द कार इज एट रेस्ट, जो बाद में होता था उसको हम रेस्ट पे मानते थे। तो कैसे बनेगा इसका डायग्राम? ऐसा कुछ कि भाई कार को आपने रेस्ट पे मान लिया, ये आपका वी बी हो गया, नेगेटिव वी सी क्या होगा? कुछ ऐसा, और ये अब आपका वी बी सी होता था, और ये आपने गाड़ी को रेस्ट पे माना होता था, और फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले जो हमने क्वेश्चन करे थे इतने सारे, हम क्या करते थे? यहाँ से परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉप कर देते थे। ये क्विक रिवीजन इसलिए कराया है क्योंकि ये सारी चीजें अब इस क्वेश्चन में लग रही होंगी। जिन्होंने नहीं पता यार यहाँ पे क्या हो रहा है, वो पहले जाके वेक्टर्स एंड फोर्सेस का पूरा चैप्टर पढ़ के आना, ठीक है? तो वहां से आपके बेसिक्स एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन दे रखा है कि ये आपकी गाड़ी थी, कार जो कि इस डायरेक्शन में चल रही है, और ये आपका ट्रक है जो कि इधर 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये आपका 30 मीटर पर सेकंड है, और ये आपको 60 मीटर बीच में गैप दे रखा है। अगर हम ए पार्ट को सॉल्व करें तो क्या मैं बोल सकता हूँ वी रिलेटिव वेलोसिटी निकालने की कोशिश करते हैं, मतलब कि भाई आपका यू सी टी वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू टी कितना हो गया? ये आपका 30 माइनस 10 इस डायरेक्शन में, विच इज 20 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में। अब जब मैं रिलेटिव निकाल रहा हूं तो यहां पे हम रेस्ट पे किसको मानेंगे? ट्रक को मानेंगे, ठीक है? तो क्या मैं अब इस डायग्राम को ऐसे हटा के, ये तो आपने रेस्ट पे मान लिया, और इसको अब लिख सकता हूँ रिलेटिव 20 मीटर पर सेकेंड? हाँ भाई लिख सकता हूँ, पर फिर सारी चीज़ें आपको रिलेटिव में लेनी पड़ेगी, जैसे कि आपकी एक्सेलरेशन भी आपको रिलेटिव में लेनी पड़ेगी। मैक्सिमम क्या है आपकी? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस डायरेक्शन में, तो ए सी टी क्या होगा? माइनस ए टी, ये तो आपका ऑलरेडी जीरो है, तो क्या हो गया? माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? तो ए रिलेटिव आपकी अभी भी इसी डायरेक्शन में, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा ये क्या है? कांस्टेंट निकल के आ गया। कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन, कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब केस टू पिछले लेक्चर का, मतलब कि हम 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा सकते हैं, और वो कैसे लगेंगी? ऐसे लग रही होंगी, आपका वी आर इज इक्वल टू यू रिलेटिव प्लस ए आर रिलेटिव टी, वी आर स्क्वायर इक्वल टू यू आर स्क्वायर प्लस टू ए आर एस आर, और एस आर इक्वल टू यू आर टी प्लस हाफ ए रिलेटिव टी का स्क्वायर, ठीक है? कुछ कुछ अजीब सा लग रहा है, नया नया लग रहा है, लगना चाहिए। ओके, अब हम इस इक्वेशन को यूज करके देखते हैं, ठीक है? अब यार ये पूछ रहा है विल द कोलिजन अकर इफ द ड्राइवर्स रिएक्शन टाइम इज जीरो, आपने इसको रेस्ट पे मान रखा है, जब ये गाड़ी पूरी रुकेगी तब इसकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी? जीरो। तो फाइनल वेलोसिटी का जो आपका वी आर रिलेटिव है वो भी क्या आ गया? जीरो माइनस जीरो, जीरो मीटर पर सेकेंड। तो अब इसको इस चीज़ में पुट कर दो, सो जीरो इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर प्लस टू ए आर, क्या था आपका? माइनस फाइव
SR, so SR आपका क्या आ गया 400 अपॉन 10 विच इज 40 meter. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ ऐसे विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि क्या हो रहा होगा. कि भाई ये ट्रक था जिसको आपने रेस्ट पे मान लिया था. क्यों? क्योंकि भाई हम रिलेटिव की बात कर रहे हैं ना. ये आपकी गाड़ी थी, ये बीच में 60 मीटर का गैप था. ये गाड़ी ऐसे गई होगी और 40 मीटर पे ही रुक गई होगी, ठीक है. और अगर डी एक्सेलरेशन आगे कंटिन्यू रही तो वापस मुड़ के अब ऐसे चलने स्टार्ट हो जाएगी. इस चीज़ की फील आ पा रही है? और यहाँ से हम बोल भी सकते हैं क्या कि भाई कोलिजन नहीं हो रहा. और सिमिलरली यार आप हमारा बी पार्ट भी हो जाएगा. क्या कर रहे होंगे बी पार्ट में? बहुत सिंपल. सबसे पहले तो यार वही आपका कि भाई जो हमारा गैप था वो कम हो गया. गैप कितना हो जाएगा? 60 मीटर. रिएक्शन टाइम 0.5 सेकंड का है तो भाई 30 into 0.5. क्यों? क्योंकि इतनी गाड़ी आगे चल चुकी है. प्लस 10 into 0.5 क्योंकि इतना ट्रक आगे भी जा चुका है, ठीक है. तो ये आपका कितना आ गया था? 50 मीटर. हमने मेथड वन में इसको खोल के डिस्कस किया था. तो अब क्या करो होगा? सेम सिचुएशन है, सेम इक्वेशन हम वापस लगाएंगे. क्या? वी आर स्क्वायर इक्वल टू यू आर स्क्वायर प्लस 2 AR SR. वी आर क्या होगा? जीरो होगा. क्यों? क्योंकि भाई आपने ट्रक को तो रेस्ट पे मान ही लिया है. हम रिलेटिव की बात कर रहे हैं. और जब गाड़ी भी रुकेगी फाइनली तो उसकी भी जीरो हो चुकी होगी. तो ये तो आपका जीरो हो गया. यू आर हमने कितना निकाला था? यू आर हमने निकाला था 20 का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए आर हमें निकालना है. एस आर हमें पता है कितना, 50 मीटर, राइट. तो जीरो इक्वल टू 400 प्लस ट्वाइस ऑफ ए आर 50. सो आपका ए आर क्या आ गया? 4 meter per second square. अब यहाँ पे यार बच्चों को एक डाउट आ सकता है क्या कि हमने इसको 50 मीटर क्यों लिया है. 50 इसलिए लिया है यार क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ डी एक्सेलरेशन. मतलब कि गाड़ी पे मैं मिनिमम ब्रेक्स लगाऊं, ठीक है. मिनिमम कितने ब्रेक लगाऊं, मेरी डी एक्सेलरेशन मिनिमम हो. वो कब होगा? जब हमारी ये लेंथ मैक्सिमम हमारे पास जितने भी हम पूरी यूज़ कर लेंगे. ये आपका ट्रक था, ये हमने 50 मीटर निकाली थी. तो बेसिकली कुछ ऐसा हो रहा हो कि गाड़ी जाए, ये तो आपका रेस्ट पे आपने मान लिया था, गाड़ी जाए और यहाँ से मुड़ के वापस आ जाए, ठीक है. जस्ट अवॉइड किया कोलिजन और वापस आ गई, ठीक है. ऐसा कुछ हो रहा हो तो इसलिए हमने ये प्रॉपर पूरा 50 मीटर ले लिया और ए आर हमारा 4 meter per second square आया. इस चीज़ को, इस मेथड को मिनिमम 3 बार लिख के देखो, ठीक है. मिनिमम 3 बार लिख के देखो और आपको फील आ जाएगी. और इनफैक्ट काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप सीधा रिलेटिव से निकाल रहे होगे, ठीक है. तो आज के लिए यार सिर्फ इतना ही रखते हैं, छोटा लेक्चर, क्योंकि बहुत लेट हो चुकी है. मैं और पढ़ाऊँगा तो वीडियो 12-1 बजे अपलोड होगा. और अब से हमारा सिलसिला दोबारा स्टार्ट हो चुका है यार. हफ्ते में आपके दोबारा 5 घंटे के लेक्चर आएंगे. तो सॉरी ये जो गैप बीच में आया था, पर ठीक है, चला गया अब ये गैप. तो सी या, हैव अ गुड डे एंड बाय.